आप जब हॉकी खेल रहे हैं माम प्रीमियर लीग उसका स्टैंडर्ड क्या है प्रीमियर लीग के इनका स्टैंडर्ड बहुत सारे प्लेयर इनमें प्ले करते होते हैं और हमें सीखने का मौका मिलता है लॉकडाउन हुआ है इसमें काफ़ी बिजनेसेस को भी नुकसान हुआ है इन्होंने आपको पे दिए या दे रहे हैं या आपको वैसे ही वहाँ रखा हुआ है इन द मीन टाइम मुझे खाना भी दे रहे हैं मुझे रैश भी दी हुई है इन लोगों ने मुझे वालेकुम एंड वेलकम टू पी जे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे बात हो रही है मैंने कहा आज थोड़ी सी हॉकी पे भी बात कर लें और हॉकी के लिए आज मेरे साथ पाकिस्तान के एक आउटस्टैंडिंग स्टार अलीम ख़ान मेरे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में है इस वक्त ये मेलबर्न में वहाँ प्रीमियर लीग हॉकी खेल रहे हैं और जिस तरह के हम देखते हैं कि आपने पिछले इंटरव्यूज़ में देखा वजुल्कनैन हो गए आमिर सुहेल सारे ये काउंटी क्रिकेट भी और ऑफ कोर्स लीग क्रिकेट भी इंग्लैंड में खेलते हैं सम उसके अंदर अब यहाँ अलीम ख़ान जिन्होंने पाकिस्तान को ओवर सिक्सटी सेवेंटी टाइम्स रिप्रजेंट किया हुआ है आज ज़रा इनसे बात करते हैं कि हॉकी के जो डायग्नोजिज़ हैं और इसकी जो आप कह लो कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं हम जरा सुनना चाहते हैं प्लेयर से क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है वो तो आपको बताती है जी सब कुछ ठीक है लेकिन जो प्लेयर होता है जो कि ग्राउंड में जाता है उसने देखना है कि उसकी फैसिलिटेशन ठीक हो रही है या नहीं हो रही है तो आज अलीम जो प्रीमियर लीग वहाँ खेल रहे हैं इन मैं आज इनसे पूछूंगा कि उनका स्टैंडर्ड्स कैसा है बेसिक स्टैंडर्ड कैसा है हमारा क्या है हमारे लड़के कैसे निकल सकते हैं या निकलते हैं उनके लड़के कैसे निकलते हैं तो यहाँ अलीम सबसे पहले आपको असलम कहूँगा और आप तो इस वक्त मेलबर्न में बैठे हुए हैं कि, कि किसी और शहर में थैंक यू मैं इस टाइम सिडनी में बैठा हुआ हूँ तो ये बताइए कि आप जब हॉकी खेल रहे हैं माम प्रीमियर लीग उसका स्टैंडर्ड क्या है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान प्रीमियर लीग का इनका स्टैंडर्ड बहुत सारे प्लेयर इनमें प्ले करते होते हैं और हमें सीखने का मौका मिलता है हॉकी का बहुत अच्छा ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन की वजह से ये थ्री मंथ ले स्टार्ट हो रही है अब ये हॉकी जो स्टार्ट हो रही है जुलाई को स्टार्ट हो रही है और एटीन अक्टूबर तक जा रही है 23 मार्च को, क्योंकि सारा मार्च को ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो इसलिए ये मंथ से स्टार, लेट स्टार्ट हो रही है ये इसलिए पाकिस्तान से तीन प्लेयर और आने थे मगर लॉकडाउन की वजह से अब नहीं आ सके अच्छा तो अलीम ये बताइए इसमें काफी बिजनेसेस को भी नुकसान हुआ है लेकिन जिन्होंने आपको इनवाइट किया है इन्होंने आपको आपको पे दिए या या दे रहे हैं वैसे ही रखा हुआ है इन द मीन टाइम नहीं, नहीं मुझे हर चीज कर रहे हैं ये मुझे खाना भी दे रहे हैं मुझे रैश भी दी हुई है इन लोगों ने मुझे हमने किया होता है कि हमें क्या क्या मिलना होता है हमने उस उसपे चलना होता है हम कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं करते जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है हमें वो मिल जाती है पूरी मुझे पे भी मिल रही है मुझे हर चीज मिल रही है अलहमद अच्छा और ये जो ये जो प्रैक्टिस है आप कह रहे हैं कि ये जुलाई से शुरू शुरू हो हो जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस रही है या हो गई है या होनी है अलहमदुल्ला थ्री मंथ से मैं रोड रनिंग कर रहा हूँ जहाँ मुझे जगह मिलती है वहां रनिंग करना स्टार्ट हो जाता हूँ ग्राउंड तो बंद थे ग्राउंड खुलते थे तो मैं ग्राउंड चला जाता था अभी मेरी आ, मंगल को मेरी ट्यूजडे को फर्स्ट ट्रेनिंग हुई थी अब मेरी कल ट्रेनिंग है संडे को यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग का जो टाइम है, टाइम अप, और यहां के दो होंगे, तो मेरी ट्रेनिंग है पाकिस्तानी अच्छा, आपके सिडनी शहर में और बाकी ऑस्ट्रेलियन सिटीज में क्या ये बिल्कुल उसको एक्चुअली टू ऑब्जर्व कर रहे हैं के नाम का लॉकडाउन है जिस तरह हमारा इधर बैठा हुआ पाकिस्तान में नहीं हुआ था बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन था अगर कोई बाहर निकलता था कोई गैदरिंग करता था पाकिस्तानी तकरीबन वो बनते हैं तकरीबन जो डॉलर है इधर ऑस्ट्रेलियन डॉलर और पाकिस्तान में तो लाख बनता है है तो है काफी लोगों को हुआ है, ये को हुआ हुआ ये पाकिस्तानियों मगर इसलिए ये जल्दी कंट्रोल हुआ है कि लोगों ने जो फ्लाइट भी बाहर से आती थी उनको फौरन होटल में लेके जाते थे किसी को मिलने नहीं देते थे और फौरन को होटल में पंद्रह दिन रख के फिर इनको छोड़ते थे इसलिए क्लियर हुआ है यहाँ पे अच्छा आपने पाकिस्तान में हॉकी से शुरू की थी मुझे बताया जा रहा है आपने क्या टोबा टेक्सिंग से शुरू की है? मैंने स्कूल लेवल, पीर महाल, स्कूल एक से में अपने स्कूल में खेलता था मेरे बड़े भाई ने जो मुझे सिखाया मेरे उन्होंने मुझे लाहौर लेके आया ने मुझे बहुत सपोर्ट की तो आपके तो दो बड़े मशहूर लोग हैं जो मैं जानता हूँ टोबा टेक्सिंग के एक तो चौधरी सरवर साहब है जो के गर है ये भी टोबे के है फिर एक डॉक्टर इशाद कम्बो है पेरिस में प्रेजिडेंट पी 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 फ्रांस ये भी उधर के है टोबा तो टेक्सिंग में तो बड़े बड़े लोग निकाले हैं जी जी क्योंकि मेरी गांव के हम चार लड़के प्ले कर चुके हैं, टीम से प्ले कर चुके हैं। की जो हॉकी लोकी बहुत ज्यादा चल रही है हमारे साथ वाले गाँव में वो सात सौ बीस में चक में रहते हैं वो हमारी टीम का कैप्टन है पाकिस्तान सीनियर टीम के अलहमद हमारे पहले जो ओलंपियन आए थे राना शीख साहब थे उसके बाद अलीम रजा है वो अभी अलाइड बैंक में, में जॉब करते हैं ओके okay. अच्छा ये अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है और इसका मुझे जवाब चाहिए क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान हर बंदा सुन रहा है इसका ये बताइए कि हॉकी जब हम एक यू नो ओलंपियंस होते थे और आप कह लो कि इतना बड़ा नाम था पाकिस्तान का आज वो नाम नहीं है हॉकी में ये क्यों है हॉकी हमारे कहीं नहीं गई ग्रास लेवल पे हॉकी स्टार्ट कर दें हमारी हाल इसलिए खत्म करके हम ट्रफ पे आ चुके हैं ये जो कि गोरों ने हमारे जो साइंस के लिए वो हम उसपे अमल करके हमने अपनी हॉकी को खत्म कर चुके हैं स्कूल की हॉकी अंडर जैसे अंडर फोर्टीन होती थी अंडर सिक्सटीन होती थी अंडर एटीन लड़कों को चा

मैं तकीदार अकेडमी प्ले करता हूँ अलहमदिल्ला टू थाउजेंड नाइन अच्छा। में जब मैं आया था तो तकीडर मुझे बहुत स्पोर्ट मिली अलहमद मेरे कोच थे अब्दुल वाहिद बिल्लू खान वो टू थाउजेंड ट्वेल्व में उनके इंतकाल हो गया था मुझे बहुत स्पोर्ट की डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर इरफान और सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट करते थे तो तकीर भाई जान वो बहुत ज्यादा लड़कों को ऐसे करते हैं कि लड़का नीचे से ऊपर क्योंकि हॉलैंड में फर्स्ट पाकिस्तान की वो अकेडमी है जो हॉलैंड में प्ले करती है हॉलैंड जर्मनी बेल्जियम फर्स्ट आपने हराया भी है उधर हॉलैंड में में उनको? जी जी बिल्कुल मैं वर्ल्ड कप उनके साथ ही 2018 में वो हमारे कोच थे वो तो हमें कुछ पता नहीं इसके में वेरी गुड वेल गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान और अपने प्रीमियर लीग के लिए और इनशाला हम देखेंगे आपके नाम और टॉप बोर्ड्स पे आएंगे थैंक यू अलीम खान ये थे अलीम अलीम खान जो कि आपके सामने अपनी एक मुख्त सी एक दास्तान बताई और सारी दास्तान में एक चीज़ है ये जो डिपार्टमेंटल हॉकी ख़त्म हुई है लोग रोडों पे आ रहे हैं अगर आपने ये दोबारा इसको रिससटेट या इसको आपने दोबारा इसको रिवाइव नहीं किया तो आपकी हॉकी कहीं नहीं जाएगी ये तो क्रेडिट जाता है पीपल लाइक तोार उनकी हॉकी हौक, अकेडमी के जो कि बिला लॉस काम कर रही है और बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं मेरा ख़्याल है कि ये इस पर हमें बड़ी संजीदगी से गौर करना है कि अगर तो हमने हॉकी को आगे लेके जाना है तो जो डिपार्टमेंटल टीम्स हैं इनको रिवाइव करना पड़ेगा और इनको एक करियर दें ताकि ये खुल के आगे आएँ जिस तरह कि हम सिक्सटीज़ की बात करते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ था हॉकी के अंदर और आज कहाँ है तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हमने अपनी ही एक नेशनल गेम को आप कह लो कि बिल्कुल सेकंड थर्ड कर दिया है क्रिकेट को भी आप देख लो यही आपने कर दिया है कि आपने डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए हैं और ऑफ़ कोर्स अब आप देखते हैं कि क्रिकेटर्स वो भी कोई ऊबर चला रहा है कोई रिक्शा चला रहा है कोई रेहड़ियाँ लगा रहा है रेहड़ियाँ लगा रहा है एक मुझे गार्ड मिला है बाहर मिनिस्ट्री के अब आप मुझे बताओ यार यही हमने अपने स्पोर्ट्स का हाल करना है थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट द इंटरेस्ट एंड द नेम एंड वट आई कॉल द